बाड़मेर नगर परिषद द्वारा मंगलवार रात्रि को शहर में से कई जगहों पर खड़े हाट ठेलों को हटाया गया। वहीं रात के अंधियारे में हाट ठेलों को हटाने के बाद बुधवार को इन ठेला संचालकों में रोष नजर आया और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर वेंडिंग जोन में खड़े स्ट्रीट वेंडर्स को यहां से बेदखल नहीं करने की मांग की गई। साथ ही जिन स्ट्रीट वेंडर्स के पास टोकन नहीं है उन्हें टोकन जारी कर पुनः वेंडिंग जोन में खड़े रहने की अनुमति प्रदान करने की मांग की गई। बाड़मेर नगर परिषद ने एक बार फिर से स्ट्रीट वेंडर्स को हटाने की कार्यवाही की। मंगलवार रात को नगर परिषद की टीमों ने शहर के रेलवे स्टेशन के सामने किसान छात्रावास के आगे राजकीय चिकित्सालय के आगे सहित कई जगहों पर खड़े ठेलों को हटाया। वहीं सुबह जब ठेला संचालक यहां पहुंचे तो यहां से हटाए हुए बिखरे पड़े ठेलों को देखकर हक्के बक्के रह गए। रात के अंधेरे में बिना कोई पूर्व सूचना दिए नगर परिषद द्वारा ठेले हटाए जाने पर ठेला संचालकों में नगर परिषद के प्रति रोष नजर आया। ठेला संचालकों ने नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वहीं ठेला संचालकों ने नगर परिषद द्वारा बार बार उनके ठेले हटाए जाने का पुरजोर विरोध किया। इसके बाद ठेला संचालक लामबद्ध हुए और कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही अपनी मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर के नाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में ठेला संचालकों ने वेंडिंग जोन में खड़े स्ट्रीट वेंडर्स को बेदखल नहीं करने की मांग की। साथ ही ज्ञापन में पुराने टेलीफोन एक्सचेंज ऑफिस स्टेशन रोड अस्पताल के आसपास वेंडिंग जोन में ठेलों को खड़ा रखने की इजाजत देने की मांग की। नगर परिषद हर दो तीन महीने में ये अपना एक रवैया चलाती है जिसमें ठेले वालों के ठेले तोड़ देती है, उनको बेदखल करती है। नगर परिषद ने पूर्व में भी हमको टोकन दिए थे और इस जगह की किराए की रसीदें भी हमारी काटते हैं, मगर पिछले समय से अभी कुछ टाइम से रसीदें नहीं ले रहे किराया और नगर परिषद आए दिन ये अभियान चलाती है जिसकी हमको कोई सूचना नहीं देती है। और वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन दोनों नगर परिषद ने और जिला प्रशासन ने खुद ने डिसाइड करके उस जगह हमको खड़ा किया था और अब भी वेंडिंग जोन में भी खड़े हैं, फिर भी हमारे ठेले तोड़े जाते हैं और आए दिन हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है जिससे हम गरीब लोगों का रोजी रोटी का संकट गहरा होता है। हटाओगी खर्ची दो खर्ची कटू लावा गरीब लोग एक तो लोन टाबर पाला नगर परिषद द्वारा बार बार स्ट्रीट वेंडर्स के ठेले हटाए जाने से उनके परिवारों पर उत्पन्न हो रहे रोजी रोटी के संकट को लेकर भी अपनी पीड़ा बयां की। इस दौरान ठेला संचालकों ने नगर परिषद के इन मनमाने रवैये के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए जिला कलेक्टर से जल्द समाधान कर उन्हें पुनः वेंडिंग जोन में खड़ा रखने की अनुमति देने की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में प्रभावित ठेला संचालक मौजूद रहे।